असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल रोजनामा आज में आज कुछ अनाउंसमेंट की गई जॉब्स रिलेटेड खैबर पखतनख्वा एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू वन वन टू टू के लिए इसमें जो आसामियों के अनाउंसमेंट की गई है इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बैचलर मास्टर या एम बी बी एस है ओनली आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मेडिकल से रिलेटेड होगी तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे ये जो एडवर्टाइज़मेंट आपके साथ आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ ये न्यूज़पेपर का एक पार्ट है और आप इसमें देख भी सकते हैं अनदर अदर डिटेल्स भी तो ये जो एडवरटाइजमेंट ये आपके पास कब आएगी ये आठ आठ फरवरी 2022 को जो है दस्तयाब होगी ई टी ई ए की वेबसाइट पर जो वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट ई टी ए डॉट ई डी यू डॉट पी के यहाँ पर आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगा आपने कोई भी बाई हैंड जो है वो अप्लाई नहीं करना और यहाँ पर आपने जो फी डिपॉजिट करनी होगी किसी भी यू बैंक में वो आपने छः सौ पचास रुपये करनी है और जो रिसिप्ट होगी वो आपने साथ लेके जानी है जो भी आपका इनिशियल टेस्ट उस टाइम ये जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत जल्द इन जो है अनाउंस की जा रही है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 28 फरवरी 2022 होगी यानी तकरीबन 20 दिन तक, तक यह भर्ती जारी रहेगी और आल खैबर ख्वास से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वैसे बहुत ही ज़्यादा कम भी नंबर ऑफ़ पोस्ट हम कह सकते हैं आप इनमें देख सकते हैं आसामियों की तादाद सात एक दो एक, एक, एक आठ बहुत ही ज़्यादा कम जॉब्स आ रही हैं ज़्यादा जॉब्स उम्मीद है इनशाला अभी जो नेक्स्ट इनका जो प्रोसीजर होगा इसमें वो देंगे क्योंकि अभी वो प्रोसेस पेंडिंग पर है जिसमें मैट्रिक बेस पर भी जॉब्स आएंगी बी पी फोर के लिए भी आएंगी सेवन सिक्स सब के लिए आएंगी यानी जो मैट्रिक इंटरमीडिएट की जॉब्स हैं वो भी इनशाला बहुत जल्द जो है वो अनाउंस की जा रही हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें इस चैनल का हिस्सा बन जाएँ ताकि इस चैनल के नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आ रही हो तो आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले मिल जाए फिलहाल के लिए इतना है फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह फिज